समर्स का टाइम है और एक जूसर तो होना बनता है तो अगर आप बहुत ही अच्छा जूसर जो बेस्ट जूसर है मार्केट का वो अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट इज़ दिस फिलिप्स साइंटिफिकल जूसर जिसका मॉडल नंबर है एच आर एटीन सिक्सटी थ्री स्लेश ट्वेंटी एंड इट कैन कॉस्ट यू बिटवीन सेवन थाउजेंड एंड एलेवन थाउजेंड रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन कौन सी से सेल चल रही है कौन से प्लेटफॉर्म से आप खरीद रहे हो आप बाहर से खरीद रहे हो या अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हो तो उसी हिसाब से प्राइस वेरी करेगा एंड ऑफर चल रहा है या नहीं सो बेस्ट थिंग अबाउट दिस जूसर इज़ दैट इसका जो माउथ है जहाँ से आप फ्रूट डालते हैं वो बहुत ही बड़ा है सो so, एक पूरा एप्पल भी इसमें जा सकता है या किसी भी साइज़ की कैरेट होगी वो जा सकती है इसमें गाजर या फिर टोमेटो या फिर ककड़ी इवन um, हमने इसमें मौसमी और संतरे का भी जूस निकाला हुआ है सो दिस इज़ लाइक वन ऑफ दी बेस्ट जूसर जिसमें आप सारे तरह के मोस्टली सारे तरह के आप जूसेस निकाल सकते हैं फ्रूट्स uh, के एंड वेजिटेबल्स so, के सो काफ़ी बार क्या हो गया साइट्रिक्स जो 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 फ्रूट्स हैं जैसे कि मौसमी हो गई या संतरे हो गए तो शायद उसमें शायद बीज भी हल्के से आ, ग्राइंड हो जाएँ बट टेस्ट में इतना फ़र्क नहीं पता चलता एंड इट टेस्ट अमेजिंग बिकॉज बहुत ही फ्रोथ ही जूस बनता है बहुत झाक होते हैं उसमें सो दैट इट इज़ लाइक यू विल इन्जॉय यू नो ड्रिंकिंग दैट जूस सो हमने काफ़ी प्रोडक्ट्स चेक किए थे एंड उसके बाद हमें ये एक प्रोडक्ट uh, अच्छा लगा था बिकॉज इसमें जो ओपनिंग है माउथ की वो बहुत ज़्यादा बड़ी है एंड होता क्या है कि इशू ये होता है कि जब छोटा जूसर होता है तो उसमें ना आपको सारे फ्रूट्स काट काट के डालने पड़ते हैं तो बहुत टाइम लगता है इसमें क्या है कि पूरी बड़ी सी गाजर हल्की सी छीलो आप क्लीन करो एंड देन जस्ट डाल दो एंड वो जूस निकल के आ जाएगा एंड देन पीरियडिकली जैसे ही वो आपका जो कंटेनर है जिसमें पल्प इकट्ठी हो जाती है वो आप बार बार उसमें उसको निकाल सकते हो जितना भी आ, फाइबर्स आए हैं फ्रूट के तो अगर आपने वो निकालते रहे हो रेगुलरली तो कोई दिक्कत होगी नहीं एंड uh, जो इसके जो होल्स uh, हैं जो सीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिसेंट साइज़ की हैं तो आपको हल्का सा फाइब्रिक जूस फाइब्रस जूस भी मिलता है विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ इतना नहीं होगा कि आप बस पानी पी रहे हो इट्स लाइक हल्का सा फाइब्रस जूस आता है एंड इंडिया में एक मॉडल अवेलेबल नहीं है जिसमें आपके पास फाइबर मोड भी होता है तो वो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल होता है बट इंडिया में नहीं है बट दिस इज़ आल्सो गुड एनफ एंड इसमें क्लीनिंग भी बहुत इजीली आप कर सकते हैं बिकॉज आपको क्लीनिंग uh, के लिए आपको पानी डालना है और उसे चला देना है एंड सारा पानी निकल के आ जाएगा जैसे जूस निकल के आता है वैसे ही पानी निकल के आ जाएगा एंड क्योंकि uh, हमने पहली बार इसे ट्राई किया था तो हम एक्सप्लो करते कि कैसे इसको हम असेंबल करते हैं तो इट वॉज़ अ लिटल ट्रिकी बट इसको असेंबल और डिसम्बल करना इज़ मच ईजियर देन जो फ़िलिप्स के कुछ जो बहुत ही सस्ते जूसर हैं जो जे एम जी आते हैं बेसिकली उसमें आपको ना ये जो सीव होती है जिसमें से वो जूस बेसिकली कट कर करो निकलता है वो निकालना बहुत मुश्किल होता है दैट इज़ लाइक यू नो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एज वेल एंड इस केस में क्या है कि जो निकालना है या लगाना है वो कंपेरिटिवली वेरी ईजी है तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग अबाउट दिस जूसर एंड uh, तो वो एक चीज़ थी एंड श्योरली आई थिंक एक दो साल में आपके आर ओ आई निकलेगी अगर आप डिसेंटली फैमिली uh, के लिए जूस निकालते हैं इसमें से तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग अबाउट दिस जूसर तो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो उसकी आप प्लीज़ ठीक uh, से पढ़िएगा बिकॉज uh, अगर आपने ठीक से लॉक नहीं किया तो इट कैन लीड टू बिग ट्रेवल्स एंड लॉक्स सारे ठीक से होने चाहिए एंड इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे एक एक पार्ट को हम लगाते हैं और किस तरीके से लगाते हैं तो वो हम सारा कवर कर रहे हैं एंड ये जो पार्ट है ये जो ये जो चीज़ है ये सिर्फ हल्का सा ट्रिकी होता है इसको हल्का सा एडजस्ट करेंगे और वो आराम से बूम अंदर घुस जाएगा एंड उसके बाद उसको निकालने के लिए बस आपको हल्का सा पुल करना है ज़्यादा तेज नहीं है वो आराम से निकल जाएगा क्योंकि इसका डिज़ाइन इज़ इस मच बेटर देन जो जे के होते हैं उसमें से उसमें तो निकालना इज लाइक आर्ट वो तो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है उसको निकालना एंड uh, कुछ को आया है कुछ को नहीं आता मुझे चार साल में नहीं आया तो दिस इज़ लाइक अ लाइफ सेवर फॉर मी बिकॉज इसमें निकालना बहुत आसान है एक बार ये पार्ट लग जाने के बाद फिर हम इसमें लगाएंगे जो उसका टॉप कवर है एंड nice. इसमें दो पार्ट्स होते हैं एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है और एक जो ब्लैक पार्ट है वो तो जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है दैट इज़ बेसिकली अ फनल जिसमें से आप सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डालते हैं एंड वो नीचे जो सीर से कट कर जो ग्राइंड होकर वो जो जूस है वो फिर आपके ब्लैक पार्ट में स्टोर होता है और फिर वहाँ से वो टैप के थ्रू निकल कर आपने का जो कलेक्टिंग जार है उसमें कलेक्ट होता है तो कलेक्टिंग जार जो इनके साथ इस प्रोडक्ट के साथ मिलता है वो है पॉइंट एट लीटर्स का एंड काफ़ी स्टोरेज होती है तो बेसिकली आप उसको जैसे जैसे वो भरता रहे आप उसको ग्लासेस में डालकर आप सर्व करना स्टार्ट कर सकते हैं या उसे Uh, पूरा एक बड़े जग में रख कर फिर आपसे स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में जस्ट फॉर मेकिंग इट चिल्ड सो ये पार्ट लगाना इज़ मच ईजियर इंश्योर कीजिएगा कि वो जो दोनों पार्ट्स हैं ट्रांसपेरेंट एंड ब्लैक पार्ट वो बहुत ढंग से अटैच्ड हो एंड uh, uh, उसके बाद जो साइड के जो लॉक्स हैं वो ढंग से कवर हों लॉक हों बिकॉज अगर वो लॉक ठीक से नहीं हुए देन इट कैन लीड टू डेंजरस सिचुएशन एंड ऊपर जो टॉप पर जो पुशर होता है उसका भी एक कवर है हल्का सा वो ब्लैक वाला आपको लगाना होता है जिससे अभी हमने दो सेकंड पहले लगाया था एंड वो करने के बाद योर जूसर इज ऑल सेट फॉर एक्सट्रैक्टिंग जूस सो एवरीथिंग इज़ डन यू हैव इनशोर दैट ऑल द पीसीज आर कनेक्टेड टाइटली एंड द वे दे शुड हैव बीन Thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed it. You can support this travel and exploration YouTube channel by subscribing to it and sharing it with your friends and family. Thanks so much for watching.